हरि ओम माँ। छात्रों, आज का जो पाठ है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। जैसा कि गत दिनों मैंने आपको बताया था कि दशा अंतरदशा का साधन कैसे किया जाए, कौन सी वह प्रक्रिया है जिसे आचार्य बड़ा मिहिर कहते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा दशा अंतरदशा का साधन आप करें। जब दशा अंतरदशा का की संज्ञाओं या संसाधन कर लेते हैं तो एक मुख्य अंश बचता है कि इनका फल क्या होगा। तो दशांतर दशा फल निरूपण ही आज का जो 15वां पाठ है वो आपके समक्ष उपस्थित है। इस 15वें पाठ में दशांतर दशा फल का निरूपण किया गया है। और क्यों, कौन सी दशा अच्छी होगी, कौन सी दशा बुरी होगी, कौन सी ऐसी दशा होगी जो जीवन में हमको आगे ले जाएगी, ऐसी कौन सी दशा है जिसमें हम बड़ी संघर्ष करेंगे, हमें जीवन को विविध मार्गों पर बड़ा सोच समझ के चलना होगा। बड़ा मिहिर ने दशाओं का विविध प्रकार से फल निरूपण भी किया है, जिसमें संज्ञानुरूप फल, द्रव्यानुरूप फल, भावानुरूप फल, स्थान के अनुरूप फल, दृष्टि अनुपलब्ध दृष्टि के द्वारा फल, योग के द्वारा फल, विविध प्रकार की स्थितियों का आश्रय लिया है और उससे केवल ग्रह की राशिगत संज्ञा के अनुरूप ही फल की नहीं करना चाहिए अपितु ग्रहाधीश की स्थिति बस भी फलादेश करना चाहिए। इस परंपरा को विकसित भी किया है। दशाधीश की स्थिति कैसी हो, दशाधीश के साथ रहने वाले विशिष्ट योग की स्थिति, दशाधीश का कारकत्व क्या है, दशा के अधीश की प्रकृति क्या है, धातु क्या है, कैसी नैसर्गिक दशा वर्ष की प्रक्रिया है, दशा प्रवेश कालिक स्थिति क्या है और चंद्रमा की क्या है गोचरीय स्थिति, तमाम स्थितियों को जोड़ करके तब इससे दशा का फल बताना चाहिए। इससे कभी भी स्थूलता नहीं होती, सदोष नहीं होता, निर्दुष्ट होकर के यह अपने फल को प्रदान करता। ये बताएं आपको कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, आज के पाठ का, इस पाठ के उद्देश्य पे यदि आप विचार करें तो सूर्यादि ग्रहों का जो शुभाशु फल कथन की प्रक्रिया है इसमें आप समर्थ हो जाएंगे। दशाफल कथन हेतु जो और भी बहुत सारे तत्वों को आचार्य बड़ा मिहिर ने संग्रहित किया है उससे परिचित हो जाएंगे, उसमें दक्षता आ जाएगी। साथ ही शुभाशु फलों के माध्यम जो बताए गए हैं शास्त्र में उसको समझने में भी आप निपुण हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे। इन सारी उद्देश्यों की पूर्ति इस पाठ से हो। सूर्य दशा में अब हम विचार करते हैं कि शुभाशु फल का निरूपण कैसे आचार्य बड़ा मिहिर करते हैं, क्या है अर्थात सूर्य के दशा में कौन से फल, क्या फल प्राप्त होंगे, इस विषय में आचार्य कहते हैं कि सौर्याश्वम नखदंत चर्म चर्म कन नक्रौर या नौक्रौर यादि श्लोकों के द्वारा वो क्या कहते हैं कि तैक्षणम धैर्मम अजस्र मुद्यरति ख्याति प्रतापोन्नति भार्जा पुत्र धनानि शस्त्र हुग भुग भूपोद्भवा व्यापद त्याग पापरति स्वभृत कलहो हरित क्रोड पीड़ा पीड़ामय रोग भी बताते हैं। अब इस मूल श्लोक को देख करके आप आचार्य बड़ा मिहिर ने जो बृहद जातक का 8वां अध्याय है दशांतर दशाध्याय, इसका यह उत्तरार्ध भाग प्रकल्पित किया जा सकता है कि आयुर्दशा दशा में सूर्य के शुभाशुभ दशाओं का फल क्या होगा। यहां क्या कहते हैं आचार्य, देखें आप गंभीरता से इसका विचार करें। जो अवरोहणी आरोहणी अधमा मध्या रिक्ता आदि जो दशाएं थी उन प्रकार को लेकर ही यहां पे चिंता की जा रही है। क्या कि सूर्य की जब दशा या अंतर दशा आती है तो उसमें जातक को क्या होता है, तो जातक के नाखून, जो नाखून होते हैं, जो दंत होते हैं, जो चमड़े होते हैं, साथ में जो उनमें स्वर्ण है, उनमें उग्रता है या फिर मार्ग है या फिर राजा है
या फिर युद्ध से इन सब से धन की प्राप्ति भी करवाता है और इन इन अंगों में रोग भी देता है। नक शब्द से यहाँ पे नाखून काटने वाले या बाल काटने वाले, इनका भी बोध कर सकते हैं। अब द्रव्य का भी बोध कर सकते हैं, दांत का काम करने वाले, चमड़ा का काम करने वाले, सोना का काम करने वाले, इनसे धन की प्राप्ति कराता है, या युद्ध से हथियार को बेचना खरीदना, मार्ग के द्वारा, राजा के द्वारा भी, अर्थात जो चमड़े का धंधा कर रहा है जैसे चर्म का व्यापार, राजा अर्थात सैनिक हो गया, राज्य कर रहा है, राजतंत्र के द्वारा जो कर वसूली होती है, इस प्रकार से धनों के आगमन के संसाधनों को पुष्ट करता है। कौन? सूर्य। इसलिए सूर्य के दशा में ये शुभ फल प्रकल्पित किए गए हैं। आचार्य ने यहाँ पे रोगों की चर्चा भी की है, कह रहे हैं क्या कि हृदय रोग सदृश रोगों को भी यह प्रदान करता है। कौन? सूर्य। ऐसी स्थिति में सूर्य को जान करके रोगों की स्थिति और उससे बचा भी जा सकता है। जैसा कि देखें, ये दिखाया गया है कि सूर्य की दशा अंतरदशा अशुभ जब भी होती है तो उसमें क्या होता है, तो कहते हैं भारजा है, भारजा पत्नी, पुत्र, धन, शत्रु, अग्नि और राजा से उत्पन्न रोग या हृदय में पीड़ा भी प्रदान करता, हृदय रोग भी प्रदान करता है। तो जातक इसके बाद कहते हैं क्या कि वह जातक त्यागी होता है, त्यागी अर्थात जिसमें त्याग की भावना है, पाप कर्म में बुद्धि का उपयोग भी करता है, अपने नौकरों के अधिष्ठित अपने नौकर के अधीनस्थ कर्मचारियों से कलह भी करता है, हृदय रोग देता है, पेट में रोग देता है, उदर में भी रोग विकार देता है। साथ ही अब यदि शुभ ग्रहों से यह युक्त हो जाता है तो इसके फल मिश्रित हो जाती है। ये तभी होता है जब सूर्य की दशांतर दशा अशुभ हो, वैसी स्थिति में यह फल देगा। यदि वह शुभकारक हो जाता है, शुभ ग्रहों से संबंध हो जाता है, तब इन स्थितियों को मजबूत कर देता है और फिर हमें ये रोग आदि से रक्षा कर देता है और इस प्रकार के किसी प्रकार के दुर्गुणों को वह नहीं देता, हमारी उन्नति अभ्युन्नति की कामना करता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के दशा की भी परिकल्पना आचार्य ने की है। कहते हैं क्या कि चंद्र दशा का सुफल में क्या है, इसके लिए आचार्य कहते हैं कि इंदुः प्राप्य दशां फलानि लभते मंत्र द्विजातु भवान। और इस आगे आचार्य कहते हैं कि क्या कि कीर्त्यर्थोपचयर्थयौ च बलिभिर् वैरं स्वपक्षेण च। स्त्री जन्म है, मेघावी है, इस प्रकार से बहुत सारी विषयों की परिचर्चा कहते हैं। क्या मुख्यांश कहते हैं कि चंद्र की शुभ दशा एवं अंतर दशा में जातक क्या करता है, गन्ना जैसे चीनी का निर्माण होता है, दुग्ध विकार, वस्त्र, पुष्प, क्रीड़ा, तिल, अन्न, परिश्रमों तथा मंत्र ब्राह्मण आदि के द्वारा क्या करता है, सुफल की प्राप्ति करता है। अर्थात चंद्र की दशा यदि शुभकारक हो तो जातक चीनी से संबंधित काम करेगा, गन्ना से, ईख से, अथवा दुग्ध से संबंधित, दधि से संबंधित, अथवा वस्त्र से संबंधित, पुष्प से संबंधित, क्रीड़ा स्थलों, विविध प्रकार के जैसे आजकल के खेल क्रिकेट आदि होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े खेलों का आयोजन करता है और उससे लाभ भी पाता है। चंद्रमा के अंतर्गत, चंद्र दशांतर्गत क्या कहते हैं आचार्य कि चंद्रमा के अंतर दशा में क्या होता है, तो आदमी को निद्रा का अधिक्य रहता है, आदमी सोता बहुत है, आलस्य, और जब सोएगा तो आलस्य की अधिकता भी होती है, सौम्य प्रकृति की वृद्धि होती है, द्विज और देवों के प्रति आस्था जगता है कि हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती है, साथ ही पुत्री रत्न की उत्पत्ति भी होती है और जो हमारी अंतर्गत जो बुद्धि है चंद्रजनित उसकी और वृद्धि होती है। और यदि वही चंद्रमा अशुभ अंतरदशा में है तो वह कीर्ति धन का क्षय भी करता है। इस प्रकार से
अशुभ चंद्र दशा अंतर दशा के बलवान पक्ष तथा अपने मित्रादि बंधु बांधव पक्ष में से शत्रुता भी होती है। इस प्रकार मिश्र ग्रहों के द्वारा मिश्र फल को भी कहना चाहिए। यदि ग्रह बलवान हैं, शुभत्कारक हैं, तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा अशुभ फल की प्राप्ति होगी। अब आपको बताएं कि भौम के दशा में शुभाशुभत्व कैसे होता है, इसके लिए आचार्य कहते हैं क्या। श्लोक में आचार्य कहते हैं कि भौमस्यारि विमर्द भूप सहज छित्याविका जैर्धनम प्रद्वेषः सुतमित्र दार सहजैर विद्वद् गुरुर्द्वेषिता तृष्णा श्रीज्वर भंग पित्त जनिता रोगः परस्त्रीपता प्रीतिः पाप रतैर धर्म निरतिः पारुष्य तैक्ष्ण्यादि च। आचार्य ने इस श्लोक के द्वारा इसकी परिकल्पना की है। इसकी व्याख्या आप देखें, आचार्य क्या कहते हैं कि वस्तुतः मंगल को पाप ग्रह माना जाता है, किंतु वह क्या करता है, जन्म कुंडली में यदि मंगल अनुकूल होता है तो वह शुभ फल देता है, यदि प्रतिकूल हो तो वह खराब फल देता है। अब यहां देखें कि मंगल की शुभ अंतर दशा में जातक क्या करता है, शत्रुओं का दमन करता है, अर्थात शत्रु उससे प्रतिकार नहीं कर पाते, भाग जाते हैं, और राजा के द्वारा, भाई के द्वारा अथवा भूमि के द्वारा और या स्थूल वस्त्रों के द्वारा धन की प्राप्ति करता है। अब मंगल की यदि अशुभ दशा हो तो उसमें क्या होती है, संतति, पुत्र, मित्र, पत्नी, भाई, इनके आपस में द्वेष होता है, ये आपस में कलह करते हैं, इनसे हानि होती है, इनसे नुकसान होता है, और विद्वान और गुरुजनों में भी द्वेष होता है, गुरु से रुष्ट हो जाता है, विद्वान उसे रुष्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में जातक की क्षति होती है यदि मंगल की प्रतिकूलता मिलती है तो। आगे आचार्य कहते हैं कि तृष्णा है, ज्वर है, इस प्रकार से पीत है और अग्निजनित विकार हैं, इससे मंगल की अशुभ दशा होने पर ये भी इससे भी नुकसान होता है, साथ ही मानसिक रोग है, उन्माद है, कुछ लोग देखे होंगे मंगल विकार से जनित उन्मादी पागल जैसे हो जाते हैं, एक क्षण में उनका गुस्सा नष्ट कर देगा, फिर एक क्षण बाद उनके गुस्सा ठीक हो जाएगा, ये जो भौम जनित स्थितियां हैं ये रोगों को भी जन्म देती हैं, रक्त विकार है, कैंसर है, मधुमेह है, इस प्रकार के बीमारियों को भी यह जन्म देता है, इसकी भूमिका बहुधा देखी जाती है। अतः इस प्रकार की दशाओं के शुभाशुभ फल के निदर्शन के लिए हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि अमुक मंगल की स्थिति हमारे लिए कैसी है, शुभ कारक है या अशुभ कारक है, यदि शुभ कारक है तो अच्छी है, यदि अशुभ कारक है तो हमें चोट चपेट, पाचन क्रिया, बहुत सारे ऐसे रोगों को जन्म देती है जिससे हमें रक्षा करने की जरूरत पड़ती है। मित्रों अभी एक दशा की चर्चा करते हैं, बुध की। बुध की दशा में शुभाशुभत्व कैसे होगा, कौन ऐसा कारक है जिसमें बुध शुभाशुभ फल को प्रदान करेगा, देखिए श्लोक आप, बौद्ध्याम दौत्य सुहृत गुरु द्विजधनम विद्वत प्रशंसा जसो युक्ति द्रव्य सुवर्ण बेसरमही सौभाग्य सौख्याप्तयः हास्योपासन कौशलम मतिचयो धर्म क्रिया सिद्धयः पारुष्य श्रम बंध मान सरुजा प्री पीड़ा च धातुत्रया। तीनों धातु से, धातुत्रय से उसकी पीड़ा होती है, तीनों प्रकार की धातुओं से उसकी समस्या होती है। देखें आप, यदि बुध की दशा या अंतर दशा कैसी होगी, क्या करेगा बुध, बुध की दशा में फल कौन सा मिलेगा। कहते हैं आचार्य कि यदि बुध की शुभ दशा अंतर दशा में क्या होता है, दूत कर्म से आदमी वृत्ति प्राप्त करता है, दूत कर्म अर्थात सूचना का आदान, आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कही जा रही है, यहां से सूचना वहां भेजता है, वहां से सूचना यहां लेता है, साथ ही मित्रों के माध्यम से परस्पर मित्रता करके आपस में उसके द्वारा वह आदान प्रदान से
गुरु के माध्यम से धर्म का, वो धर्म का प्रचार उसके बीच में माध्यम भर के धनार्जन करता है। ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना, ब्राह्मणों के द्वारा प्रवचन का आयोजन करना, ब्राह्मणों के द्वारा बड़े बड़े सत्संग आदि का निर्धारण करना, और इससे क्या करता है, वह जस और धन सम्मान की प्राप्ति करता है। ये बुद्ध की दशांतर दशा में होते। अब ये तब होता है देव में, धर्म में उसकी गति बढ़ जाती है। हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, हंसता रहता है, कोमल होता है, राजपुत्र के जैसा होता है, विनोदी होता है। ये उसके सारे गुण जो भी हैं वो उस जिस कुंडली में रहते हैं उस मनुष्य में ये गुण की वृद्धि हो जाती है। यदि अशुभ हो गया तो क्या होता है, तो अशुभ बुद्धि की दशा, अंतर दशा में बहुत परिश्रम करने से क्या होता है, शरीर में विकृति आती है, रोग आते हैं, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, और कभी कभी कारागार में भी चला जाता है, जेल हुई हो जाता है किसी अभियोग के द्वारा, किसी न किसी प्रकार के पीड़ा के द्वारा, और मानसिक रोगी भी हो जाता है, और धातुत्रय से उससे रोग रहता है, अर्थात कफ वात पीत धातुत्रय के द्वारा मिश्रित सन्निपातज रोग की अधिकता होती है। ये बुद्ध दशा का फल है। मित्रों आज यहीं विराम लेते हैं और कल मिलते हैं बृहस्पति के दशा का क्या शुभाशुभ फल आचार्य बराह मिहिर करते हैं। धन्यवाद।